लोकसभा और राज्यसभा में महिला आरक्षण बिल पारित होने के बाद बीजेपी इसे प्रधानमंत्री का सराहनीय कार्य बता रही है। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस इस बिल को चुनावी एजेंडा कहकर तत्काल लागू करने की बात कर रही है। बीजेपी की प्रदेश सह प्रभारी रेखा वर्मा ने कहा कि जो भी पार्टी सत्ता में रही उसे देश के हर वर्ग के लोगों ने देश के विकास की आशा के साथ वोट दिया है, लेकिन पिछले 60 सालों में विपक्ष ने ऐसा कोई भी काम नहीं किया जिससे देश की तरक्की हो सके। देहरादून से अवनीश गुप्ता की रिपोर्ट। देखिए, वो तो हमेशा जनता को भ्रमित करने का कार्य करते हैं। आप सब लोगों ने देखा होगा, जब से देश आज़ाद हुआ है और जो भी विपक्ष की सरकारें आईं, हम सब लोगों ने उनको वोट किया और इस आशा के साथ किया था कि उन्होंने कहा था कि महिलाओं को सशक्त करेंगे और देश को विकास कार्यों से जोड़ेंगे, देश का सम्मान बढ़ाने का कार्य करेंगे, लेकिन 60 साल के कार्यकाल में वो ये सारे कार्यों को नहीं कर पाए। आज जब मोदी जी कोई भी विषय लाते हैं तो उनका काम ही यही है कि विरोध करना। जहाँ तक मेरा मानना है कि 2014 में जिस तरह से नरेंद्र भाई मोदी जी ने कहा था कि महिलाओं को सशक्त करेंगे, और सच्चाई ये है, चाहे लोकसभा से लेकर संगठन में आप देख लीजिए, हमारी भागीदारी बहुत अच्छी है और 33% का आरक्षण जो अभी हमारे लोकसभा में बिल आया है उससे पूरी देश की महिलाएं बहुत गर्व महसूस कर रही हैं। आज हमारी महिलाओं को लोकसभा में प्रतिनिधित्व करने का मौका मिलेगा और अपनी चीज़ों को रखने का मौका मिलेगा, जिससे देश और बेहतर कार्य कर पाएगा महिलाओं के माध्यम से।